हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हमारे पास ये स्विफ्ट गाड़ी है और ये है पुश स्टार्ट गाड़ी है। जो फीचर है इसका, तो इसका जो फीचर है आपको मैं बता दूं कि इस बटन से हमारा लॉक होता है, इस बटन से हमारी अनलॉक हो रही है और देख सकते हैं लॉक करने में हमारी लाइट एक बार होती है और एक बार हमारा सायरन बजता है, और जब अनलॉक का बटन हम दबाएंगे तो दो बार सायरन बजेगा, दो बार लाइट हमारी जलेगी। और कभी कभी हमको जैसे रात में अगर गाड़ी निकाल रहे हैं और चाहते हैं कि अगर हमारी ये जो सायरन की आवाज़ है ये ना आए, तो इसके लिए आप कर सकते हैं क्या, इसमें अनलॉक और लॉक के बटन को बस एक बार हमें ये बस प्रेस करना होगा। ये प्रेस करेंगे हम तो ये हमारा लॉक और अनलॉक का बटन काम नहीं करेगा। तो इसके लॉक और अनलॉक के बटन को सिर्फ हमको एक बार एक साथ दबाना होगा, तब हमारा ये काम करेगा। तो जैसे मैंने ये देख सकते हैं, मैंने ये दबाया, लाइट आपकी जली है। उसके बाद अब मैं लॉक करूँगा तो लाइट देख रहे हैं एक बार जली, लेकिन सायरन की आवाज़ नहीं आएगी। और अनलॉक करूँगा तो अब आवाज़ आएगी। अगर अब हमें गाड़ी करनी है कि अनलॉक करनी है और आवाज़ ना आए, हम दोनों बटन को, इन दोनों बटन को एक साथ हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे लाइट जलेगी, उसके बाद हम अनलॉक करेंगे तो हमारी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और दो बार ये लाइट जलेगी और सायरन नहीं बजेगा। ठीक है, अब एक फीचर है इसमें रिक्वेस्ट स्विच का, जो पुश स्टार्ट में होता है, ये रिक्वेस्ट स्विच है। इसको हम दबाते हैं तो हमारी डोर अनलॉक हो जाती है। जैसे मैंने ये दबाया, चाबी से काम नहीं किया, तो हमारे डोर अनलॉक हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें चेक कर, एक फीचर होता है कि अगर हम कभी बाहर गए हैं, जैसे इस समय गाड़ी हमारी लॉक है, ठीक है, जैसे हम कभी कार लेने गए बाहर और उसके बाद हमने क्या किया, स्विच दबा दिया, ठीक है, उसके बाद हमको याद आया कि कुछ काम है हमें घर में, तो हम चले जाते वापस। तो आप देख सकते हैं कि ये स्विच हमारा खुला हुआ है और ये स्विच हमारा अपने आप ही हमारा बंद हो जाएगा, लॉक हमारे हो जाएगी गाड़ी। अभी जैसे अनलॉक दिख रही है, लॉक हो जाएगी 30 सेकंड बाद ये हमारी गाड़ी लॉक हो जाती है। अब्दुल, ये देख सकते हैं गाड़ी हमारी लॉक हो चुकी है। तो ये हमारा फीचर था, तीसरा फीचर था। तो ये कुछ फीचर होते हैं चाबी के। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।